ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप यहाँ क्षीर सागर के तट पर जिस कार्य के लिए आए हो मैं उसे जानता हूँ, अतः चिंता मत करो कि कुछ समय के बाद इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा और इन सब राजा महाराजाओं का वध करूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने रिकन्फर्म करने के लिए भगवान से पूछा, प्रभु आप बताओ आप किसके घर पे आ रहे हो और कब आ रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर अपने आप को भगवान कहने वालों की कमी नहीं है और आज कलयुग में तो रूप भर चुका है, आप बताओ कौन सी डेट पे आ रहे हैं। आज जिधर देखो फलाने बाबा भगवान, फलाने बापू भगवान, मैं भगवान, तुम भगवान, भाई सब भगवान, ऐसा होता है क्या? आत्मा कभी परमात्मा नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश में अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे और कहते हैं कि अ सॉल कांट बी अ सुप्रीम सॉल, अ सॉल कांट बी अ सुप्रीम सॉल, बट इफ इट्स जस्ट अ कृष्ण सर्विस ऑफ कृष्णा, इफ इट्स सर्व कृष्णा देन डेफिनेटली इट कैन बिकम ग्रेट सॉल। एक आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, परंतु कभी ये कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण की भक्ति करे तो निश्चित महात्मा बन सकता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कन्फर्म किया, कहते हैं कि भगवान, इसलिए प्रभु ने कहा कन्फर्म बताइए आप कहाँ आ रहे हो। तब भगवान कहे, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यते तत्र प्रिय अर्थम संभवत स्त्री, कहते हैं वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर, वसुदेव के घर पर आओ, वसुदेव के गृहणी की पत्नी की घर से चलो, इसलिए तुम जाओ और सभी देवी देवताओं को कह दो कि ब्रज में और गोकुल में जाकर और मथुरा में अवतार ले ले और मेरी लीला में सहायता करें। सब लोग अपने पर गए, अपने लोक में गए। अब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज इस कथा को स्वर्ग से नीचे उतारते ही पृथ्वी पर लाते हैं। आइए हम भी मथुरा चलते हैं जहां पर देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ है। देवकी और वसुदेव रथ पर आरूढ़ हैं अपने घर को जाने के लिए और उस समय उनका एक भाई था, कजिन ब्रदर था कंस। कंस को देवकी के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ा और इतना प्रेम उमड़ा कि देवकी और वसुदेव के रथ को सारथी को उतार दिया और खुद सारथी बन गया और बोला मैं रथ चलाऊंगा। तब देवलोक में खलबली मच गई, बोले अदि कंस ने एक कदम भी एक फीट भी रथ को आगे बढ़ा दिया तो भगवान कभी कृष्ण को नहीं मारेंगे, क्योंकि भगवान अपनी सेवा करने वाले को एक बार मार सकते हैं परंतु अपने भक्तों की सेवा करने वाले को कभी नहीं मार सकते। देवलोक में बड़ी खलबली मच गई, क्या किया जाए। तब देवताओं ने सहसा आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख, कंस ने देखने लगा कि आज मूर्ख कहने वाला आज पृथ्वी पर कौन पैदा हो गया मुझे, क्योंकि कंस को मूर्ख कहने वाला आज पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। कंस इधर उधर देखने लगा, किसने कहा, कंस चारों ओर देखने लगा कौन कह रहा है, फिर से बोला मूर्ख। तब पता चला आकाशवाणी है, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण है। अब ये देवताओं ने क्लियर नहीं किया कि कन्या या फिर पुत्र संतान। अब देखिए असुरों का प्रेम, सुखदेव जी स्वामी कहते हैं असुर एक ही पल में इतनी बड़ी बड़ी प्रेम की बातें करेंगे और दूसरे ही पल में मारने काटने पे उजागर हो जाएंगे। जैसे ही ये बात सुना, कंस रथ चलाने वाला था, रथ की लगाम को छोड़ दिया, अपने हाथ से तलवार, एक हाथ से तलवार को खींचा और देवकी के बाल को एक हाथ से पकड़ा और जैसे ही तलवार से उसके मस्तक को काटने जा रहे थे, वसुदेव जी ने तलवार को हाथ को पकड़ लिया और बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत ही सुंदर स्तुति की, बहुत सुंदर उपदेश दिया। भक्तों इस संसार में मात्र दो उपदेश है जो रथ है, एक वसुदेव महाराज ने कंस को दिया और दूसरा उपदेश बिल्कुल अपने पिताजी की परंपरा को निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन। तब वसुदेव जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, कंस नहीं माने। अंत में वसुदेव जी ने कहा महाराज आपको भय किस बात का, बोले देवकी का आठवां संतान मुझे मारने वाला है। बोले एक काम करो आप देवकी को छोड़ दो, देवकी के आठवें संतान से ना आपको भय है, मैं ऐसा करूंगा कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं आपको लाके सौंप दूंगा। बोले ठीक है,
वसुदेव जी की बात पर कंस को विश्वास हो गया, कंस ने उन्हें जाने दिया। कंस गए, वसुदेव देव की गए और एक साल के बाद प्रथम पुत्र को लेकर वसुदेव जी एक दिन के बालक को लेकर कंस के पास आए और ये उस एक दिन के बालक को देखकर कंस क्रूर कंस के हृदय में आ गया। बोले वसुदेव जी इसे लेकर जाओ, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा एक दिन का बालक, और वैसे भी आकाशवाणी की थी आठवां संतान मारेगा, एक तो पहला ले जाओ इसे। वसुदेव जी चले गए, फिर इधर देवलोक में खड़े बने, बोले ऐसे करेंगे एक दो तीन चार सात आठ बहुत टाइम लगेगा, क्या किया जाए। तब देवलोक के सभी लोग देवताओं ने नारद जी के पास आए, नारद जी कंस के पास आए, नारायण नारायण, बोले कंस तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा। नारद जी कैसे पास रहे हो तो जिसका स्वागत जिसका आदर असुर भी करते और देवता भी करते। कंस ने कहा महाराज आप मुझे मर्क कर रहे हो, आप जानते हो जीवन में पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने एक बच्चे को जीवन दान दिया। बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मूर्ख हो। बोले क्यों? बोले अरे आकाशवाणी में थी आठवीं की, किधर मारने वाला पहला मुझे। तो बोले तो इसे बताओ कौन सी आठवीं है, इधर से गिना तो ये आठवीं, इधर से गिना तो ये आठवीं, पांचवी पहली भी आठवीं आखिरी भी आठवीं। नारद जी यश दल कमल लेके गए थे, आठ पंखुड़ियों वाले कमल लेके गए थे। बोले इसे बताओ कौन सी आठवीं पंखुड़ी है। अब कंस पूर्ण कंफ्यूज, क्या किया जाए। बोले अरे वो विष्णु है, विष्णु तुम जानते हो ना उसको, वो खंभा फाड़ के प्रकट हो सकता है, तो क्या वो नंबर के लिए वेट करेगा, कभी भी आ सकता है। कंस का दिमाग में खटक गया। उसी समय कंस ने अपने बुलाया, मंत्री को बुलाया, बोले जाओ वसुदेव जी के पुत्र को लेकर आओ और वसुदेव जी और देवकी को लाओ और कारागार में डालो। नारद जी ने कहा नारायण इसी के लिए तो मैं आया था। नारद जी चले गए, देवकी वसुदेव जी को कारागार में बंद किया गया, उग्रसेन जी को भी कारागार में बंद किया गया। देखते देखते कंस ने उनके प्रथम पुत्र को शिला के साथ पटक के मार दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करते करते छह छह पुत्रों को कंस ने देवकी के सामने शिला के ऊपर पटक कर मार दिया। देवकी के हृदय में बहुत दुख पड़ गया और ये दुख भगवान शंकर से शंकरसन साक्षात बलदेव जी के रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए। जैसे ही बलदेव जी आए, भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम, देवी तुम जाओ मथुरा में और देवकी के गर्भ में बलदेव जी आए हैं, उस बालक को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो और यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में तुम मुझसे भी ज्यादा पूजी जाओगे। और अतः उसी वरदान के कारण, भगवान के उस आशीर्वाद के कारण आज हम लोग योग माया की पूजा दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, चंडिका के रूप में। तो ऐसा भगवान का आदेश हुआ, योग माया गई देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में। देव की सवेरे उठी तो देखा कि गर्भ में बालक है। देवकी ने देखा कि सवेरे बालक नहीं है, देवकी और भी दुखी हो गई और वहां पर मथुरा के लोगों ने सोचा कि आज तक कंस बच्चे को जन्म लेने के बाद मारता था, आज किसी तांत्रिक से गर्भ में मरवा दिया। देवकी का दुख और भी बढ़ गया और देवकी रात दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे। प्रभु आप कब आओगे, कब आओगे हमारे दुख को दूर करोगे, अखियां हरी दर्शन को प्यासी, प्रभु अब ये आंख आपके दर्शन की प्यासी है। देव की पूर्ण रूपे भगवान के ऊपर समर्पित है और जब कोई भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूपे समर्पित हो जाते हैं तो भगवान उनकी पुकार को तुरंत सुन लेते हैं और भगवान तुरंत आ जाते हैं, क्षणिक भी देर नहीं करते, बस हमें पूर्ण रूपेण निर्भर होना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को बुलाते हैं आते नहीं है, निर्भर होते हैं, फिर भी हम भगवान को याद तो करते हैं किसी काम के लिए, लेकिन क्या
ऑप्शन में किसी और के भी रख लेते हैं, यदि ये काम नहीं हुआ तो फलाने भाई के पास जाएंगे, यदि ये काम नहीं हुआ पहले तो भगवान को बोलते भगवान हमारा काम कर दो, ये काम नहीं हुआ तो फलाने सेठ जी के पास जाएंगे। हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, यदि हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए तो भगवान निश्चित प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण अपने धाम से उतरकर सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन में देवकी के मन में गए और देवकी के मन से भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय में आए, और जैसे ही देवकी के हृदय में भगवान आए देवकी का पेट भर गया। अखिल ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी जो प्रकाशमान है ऐसे भगवान जब देवकी के हृदय गर्भ में आए देवकी का तेज बढ़ गया, कंस के कारागार का जो अंधकार था वो अंधकार दूर हो गया, और कंस जब उस कारागार में देवकी को देखने आया कंस की आंखें बंद हो गई, कंस समझ गया कि निश्चित मेरा काल विष्णु आपकी जरूरत है, हरि बोल श्याम प्रभु आइए। कंस की जब आंखें बंद हो गई, बेटी का फोन आ रहा है, कंस जब कारागार में गए तो उनकी आंखें बंद हो गई और न निश्चित वो समझ गया कि मेरा काम विष्णु आ चुका है और अब ये कभी भी प्रकट हो सकता है। कंस हमको ना ठीक से खा सकता था, पी सकता था, रोज सोते जागते उसे कृष्ण का ही दर्शन, कृष्ण कंस जब भोजन करने बैठता था तो उसे रोटी में भी कृष्ण, पानी में भी दर्शन कृष्ण का, बोले कहीं अंदर जाके मार ना दे इसलिए उसने खाना ही छोड़ दिया। ऐसे जन्माष्टमी में बहुत कम लोग निर्जला उपवास करते हैं परंतु कंस ने निर्जला उपवास किया। और दूसरी ओर देवकी के घर में भगवान विष्णु आए हैं ये बात ब्रह्मा जी को पता चलते ही ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर भगवान कृष्ण की अनुमति स्तुति करने के लिए आए हैं। स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति भगवान की स्तुति कीजिए, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, समस्त देवी देवता समस्त देवी देवताओं ने आकर भगवान कृष्ण सत्यवर्तम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनि नित्यं च सत्य सत्यश्च सत्यं नित्यं सत्यात्मं भगवान गर्भ में है और सभी देवी देवता गर्भार्थ करते हैं कृष्ण आपका मत सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, आप तीनों लोगों में सत्य हो, आपका देह सत्य है, आपके नेत्र सत्य है, आप प्रभु आप सब कुछ सत्य है इसीलिए आप सत्य। ऐसे अनेकों श्लोकों में अनेकों पदों में भगवान समस्त देवी देवता गण भगवान से विशेष स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही करही नाग मुनि देवा, जय कृष्ण मनादि अनंत विभु परमानंद रूपा रूप प्रभु अवलोकिशोभिन्नप्रणतजनप्रणवेशविशेषकलेशनम्।
है काश आकाश भी बात ही है पर मेरे पर अब काश ही ये विशेष 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 है लिख नाम परम विशेष है जय सत्यमय जय ज्ञानमय तप योग विराट ज्ञानमय कर पाठ चुंत सुने ममय इन नाम बाहु सुने ममय परम परिषाम जय काल भूकाल सुकाल पर सुरंग समूह भालव रावण्य प्रभो महोदित नाम प्रभु रहि परमनिधि प्रकट करना है तो पूरी तरह से खड़ा होना पड़ेगा।
नाचते हुए भगवान को बुलाना। स्तुति कर रही नाग मुनि सेवा, 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 हाथ मेरे यंग नाम मेरा नंद नाथ, आज मेरे यंग नाम मेरा आज मेरे यंग नाम मेरे जगन्नाथ मेरा ओ नंदलाल,
आँख मेरे जीवने याद हो आँख मेरे प्रकार
भगवान कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए। गोकुल में जब पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, सभी लोग आनंद में झूमने लगे। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति हुआ तो स्वस्ति वाचन कराया और सब एक दूसरे के ऊपर माखन से खेलने लगे, दूध से खेलने लगे और सबके मुख पर एक ही ध्वनि थी, क्या? नंद घर आनंद भयो जय। Yeah, it's a little bit of
ये दासी तेरे घर पे आई सारे सहारे छोड़ के आई।